साखी गुरु गोबिंद सिंह जी धर्म दे आगू पंज प्यारे गुरु तेग बहादुर जी दे दिल्ली विच समाधि देन पिछों गुरु नानक दे घर दी शोभा देश दे कोने कोने तक फैल गई। गुरु गोबिंद राय दे दर्शन करन लई अमीर गरीब अनंतपुर पुजन लगे। गुरु जी ने सिखां पासों दसवंध इकट्ठी करन वाले मसंद हटा दित्ते। सिख संगतां अपना दसवंध आप अनंतपुर लेके पुजन लगियां। संगतां दा प्यार गुरु घर नाल वध गया ते गुरु दे दर्शन करके होर आनंद मानन लगियां। गुरु पास दसवंध लेके आउण वालियां संगतां नूं रस्ते विच मुसलमाना रंगणा गुजरां ते होर लुटेरां तंग करना शुरू कर दिता। रस्ते दी लुट मार तो बचण लई संगतां ने शस्त्र रखने शुरू कर दिते। लोड़ पैन उपर उन्हां दी वरतों भी कर लेंदियां। उह छोटियां झड़प्पां सहमियां जातियां दे जागण दी बहुत वड्डी गवाही सी। सिख संगतां शस्त्र जरूर रखदियां सन ते शस्त्र विद्या तों जाणू सन पर शस्त्रधारी नहीं सन। गुरु जी ने चंगा समां देख के सिख संगतां नूं शस्त्रधारी करन दा प्रोग्राम बनाया। उन्हां सिख संगतां नूं 30 मार्च 1699 नूं विसाखी वाले दिन अनंतपुर इकट्ठे होण लई सद्दे पत्र भेजे। आसा दी वार दा कीर्तन समाप्त होण उपरंत गुरु जी दीवान विच इक चमकदी तलवार लेके हाजिर होए। उन्हां संगतां नूं उह तलवार दिखाउंदे होए बड़ी कड़कवी आवाज विच कहा, सानूं इक सिर दी लोड़ है, है कोई सिख जिहड़ा अपने गुरु नूं सीस भेट कर सके। गुरु जी दे हथ विच नंगी तलवार ते इक सीस दी मंग दे डर नाल संगत सहम गई, सारे पासे चुप छा गई। तीसरी बारी आवाज देण उपर भाई दया राम लाहौर दे खत्री ने उठ के बेनती कीती, सच्चे पातशाह ए तन मन सब आप दा है ते आप अगे हाजिर है, मैं आप दी पहली आवाज उपर हाजिर ना होण दी माफी मंगदा हां। गुरु जी ने उसनु बाहों पकड़िया ते तंबू विच ले गए। डरी ते सहमी हुई संगत नु तंबू विचो आवाज सुनाई दित्ती जिवें गुरु जी ने भाई दया राम दा सिर धड़ नालों अलग कर दिता होवे। गुरु जी ने फिर दीवान विच हाजिर होके एक होर सीस दी मंग कीती। इस वारी भाई धर्मदास दिल्ली दे जट ने अपना सीस भेट कीता। इस तरह तीन होर सिखां जगन्नाथपुरी उड़ीसा दे भाई हिम्मत राय चोर, द्वारका गुजरात दे भाई मोहकम चंद छीमबे अते आंध्रा बिदर दे भाई साहिब चंद ने सीस भेट कीता। पंजा सिखां दे सीस भेट करन पिछों गुरु जी ने तंबू विचों उन्हां पंजा सिखां नूं दीवान विच हाजिर कीता जिहड़े पूरे सजे हुए सिंह सन। ओह पंज प्यारे सन जिन्हां ने अपने सीस गुरु दी भेट कीते सन। गुरु जी ने एक लोहे दे बाटे विच सतलुज नदी दा जल ते पतासे पाए। गुरु जी ते पंज प्यारे उस बाटे दे दुआले बैठ गए। एक खंडा लेके गुरु जी ने उस बाटे दे जल नूं हिलाउणा शुरू कीता ते पंज बाणियां जप जी जाप साहिब सोईये चौपई ते अनंत साहिब दा पाठ करना आरंभ कीता। पाठ दे भोग पैण उपर गुरु जी ने कहा, यह अमृत तैयार हो गया है, यह अमृत नाल खालसा तैयार कीता जावेगा, खालसा वाहिगुरु दी फौज होवेगी, खालसा जुलम दा नाश करेगा। खंडे ते बाणी नाल तैयार कीता अमृत पंज प्यारियां नूं छकाया गया। उन्हां दे केसां दसवें द्वार ते अखां विच अमृत दे छिट्टे मारे गए। पंज प्यारियां दे अमृत छकण उपर खालसे दी साजना हो गई। गुरु जी ने खालसे नूं बेनती कीती कि उन्हां नूं भी अमृत दी दात बख्श के खालसा बनाया जावे। गुरु गोबिंद राय अमृत पान करके गुरु गोबिंद सिंह हो गए। गुरु जी ने सिखां नूं अमृत दी दात बख्श के सिंह बना दिता ते इस्त्रियां नूं कौर दी पदवी दे दित्ती। ब्राह्मणा दे बनाए हुए चारे वर्णा दा मतभेद खत्म कर दिता। इस नाल सिखां विच्चों ऊंच नीच खत्म हो गई। सारे सिंह भरा भरा हो गए। सिंघां दे मन विच्चों होमे दी मैल कढ के खालस बना दिता। गुरु जी ने पंच ककार केस कंगा कड़ा कृपान ते कछहरा सिंघां नूं अपने तन ते सदा लई सजाए रखण दा आदेश दिता। चार कुरीतियां पराई इस्त्री दा संग कुठा मास जां हलाल दा मास खाणा नशियां दी वरतों ते केसां दी बेअदबी
ਭਾਵ ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਲੂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।